कभी कभी ना क्या होता है कि हमारी आई सेड पैलेट में ना वो कलर नहीं होता जिस कलर का हमें आई मेकअप करना होता है तो ऐसे में ना हमारे लिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स काम आती है कि जब हम एक प्रोडक्ट का मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सके तो ऐसे यूज़ करेंगे हम आज एक कलर काजल का जो कि है मेरे पास फॉर एवर का इसके मेरे पास तीन सेट्स अवेलेबल हैं आप लोग अपने चॉइस और अपने यूज़ के हिसाब से सेट चूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम आई बेस बनाएंगे कुछ इस तरीके से और आई बेस बनाने के बाद आप उसको ब्लैंड करना बिल्कुल भी मत भूलना मेक श्योर कि समर के टाइम पे आपका जो कंसीलर है वो लिक्विड कंसीलर हो लिक्विड कंसीलर बहुत अच्छे से जो है गर्मियों के टाइम पे रिजल्ट देता है अंडर आई एरिया में भी हमको जो है प्रोडक्ट को अप्लाई करना है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर आई एरिया में आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना थोड़ा बहुत ब्यूटी ब्लेंडर में लगा ही होता है प्रोडक्ट उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं अब इन तीन तीन सेट्स में से मैं ये वाला शेड लूँगी जो कि फर्स्ट वाला है और इसको क्या करूँगी कि पूरी की पूरी आईलिड पर अप्लाई कर दूंगी आप इसको एज अ लाइनर एज अ काजल एज अ आई सेडो कैसे भी यूज कर सकते हैं मल्टीपर्पज यूज करना आपको आना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमें कहीं फ्रीलेंसिंग पे जाना होता है या फिर वेन्यू ब्राइट करनी होती है और हमारा जो कुछ सामान है जो है जल्दबाजी में हम लोग भूल जाते हैं तो हमें ये थोड़ी कि उस काम की वजह से हमारा काम रुक जाएगा हमें कुछ भी करके अपना काम करना पड़ेगा मैं क्या करूँगी कि लोअर लैश लाइन में भी इसको अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं और ये काजल इतनी अच्छी है ना कि जैसे मैंने ये अप्लाई करी ना यहाँ पे तो ये एज रहेगी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी इनफैक्ट मुझे इसको ब्लेंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी कि ब्रश लूंगी और खाली ब्रश लूंगी इस पर मैंने कोई भी कलर नहीं लिया है कलर आपको तब लेना है जब आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट की कवरेज कम है और उसको लॉक करने के लिए आपको थोड़ा सा पाउडरी सैडो लेना ही पड़ेगा लेकिन ये यहाँ पर प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है कि इसको मैं इजीली ब्लेंड भी नहीं कर पा रही हूँ तो आप लोग डेफिनेटली ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं फोर एवर फिफ्टी टू की कलर काजल है और यार हर किसी को पता है कि फोर एवर फिफ्टी टू के जो प्रोडक्ट होते हैं ना इतने अमेजिंग होते हैं कि क्या बताऊं मैं जब से फॉरवर फिफ्टी टू आया है तब से लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है कि अपने बजट के अंडर इतने अच्छे और इतने अमेजिंग प्रोडक्ट परचेज करना अदरवाइज इतने हाई हाई ब्रांड के प्रोडक्ट थे कि बिगिनर्स के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती थी हमें क्या करूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कलर की और नीड है तो थोड़ा सा मैंने अप्लाई कर दिया है कुछ इस तरीके से ये ना मैं आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ देखो बाकी कलर आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं एंड इस तरीके से कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीका है ये वाला जो आई मेकअप है ना ज़्यादातर जैसे गाउन वगैरह इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से जाता है और स्मोकी आइज़ तो आजकल लोगों की यार फर्स्ट चॉइस बन रखी है कुछ इस तरीके से मैं खाली ब्रश से जो है ब्लैंडिंग करूँगी देख सकते हैं हल्का

चीज यूज करने का मन ही नहीं करता अब मैं एक बार आईब्रोज को फिर से वापस यहाँ पर जो है फिनिशिंग दे दूंगी देख सकते हैं कि दोबारा फिनिशिंग के बाद हमारी जो आईब्रोज की शेप है कितनी प्यारी लग रही है ये देख सकते हैं ठीक है और आप इनकी दूसरी आईब्रो देख सकते हैं कि कैसी लग रही है तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी आपने इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब तीनों जगह में आप लोगों को सोना मेकओवर बाई पूजा नाम से मेरी प्रोफाइल है तो आप एक बार